नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लगाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको CPCT की कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि मैथ्स रीजनिंग अगर जो मेरे वीडियो हैं उनको देख लिया जाए तो आप पूरा कवर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मेरे सारे वीडियो आपने देख लिए हैं मैथ्स रीजनिंग के, तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए इस बात से। तो आप सारे वीडियो के कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन समझाए हुए हैं उनको आपको समझना है अच्छे से। जो चीज़ आपको नया लगे, नया दिखे, उसे आप नोट डाउन कर लिया करो, और बिल्कुल आपका एग्जाम है जो है वो 12 में से 12 नंबर ला पाओगे। चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सिंपलिफिकेशन से ये क्वेश्चन है, बेसिक सा रूल है, इसमें हम बॉडमस रूल जो है वो लगाते हैं। एक स्टेप हम ज़्यादा चलेंगे क्योंकि CPCT में वैसे सिंपलिफिकेशन से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 5:6, 5:2 × 3 − 1 ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ का मतलब होता है इंटू। ओके, बॉडमस रूल हमेशा याद रखना है, 1 + 3, और ये यहाँ पर भाग है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए, 3 भाग 1/3 है, तो इसको मैं उलट के नहीं, इसको 3/1 कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से 3/1 कर दूंगा, और × 6 है ये पहले से ही। ओके, और −2 हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पर सीधा ही सीधा उलट के लिख देता हूँ और इंटू लगा दूंगा यहाँ पर, इंटू ये 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 3 बार जाएगा, ठीक है, बटे में 3 है, 3 से 3 ही कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 बचेगा और 1 − 2 हो जाएगा ये, तो मतलब यहाँ से −1 हमें ऊपर मिल जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अब यहाँ से देखिए आप 1 + ये 3 × 9, और यहाँ से आप देखोगे ये 6 − 2 है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 × 6 = 54 और 1 = 55, 55 − 2 यानी ये हो जाएगा 53। माइनस के 1 है नीचे, जो इसका मान हमारा रहा है 53, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो −1/53 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बॉडमोस रूल याद रखना है आपको, ठीक है, ये वाला रूल, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाली, फिर ऑफ लगा हुआ उनको सॉल्व करना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सबसेक्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 आता है, तो हमें संख्या बतानी है। मान लिया मैंने, माना संख्या जो है वो x है, ठीक है। अब इस x के खुद की संख्या के 35% को अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है, 35% को मैं 35/100 लिख सकता हूँ बराबर, तो इसकी मुझे 26 देखने को मिल रहा है। खुद की संख्या यानी उसी संख्या के 35% को मैंने यहाँ पर घटा दिया है, तो मुझे 26 परिणाम देखने को मिल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 100 − 100x − 35x = ये 26 हो जाएगा, 100 इधर भी जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ मैं, इसको 5 से कर दूंगा, तो 5 × 2 = 10 ये हो जाएगा, ठीक है, 5 × 2 = 10 और 0 x − 5 = 35 बराबर, इसको काटूंगा, 25 25, 5 × 2 = 10 और 0। अब यहाँ से हम देखेंगे 20 में से, देखिए आप कितना 7 जाना है, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और यहाँ से ये 52 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 13 × 52 यानी 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं और इसे हमसे k का मान पूछा गया है। आज रात को 10 बजे मैं आपको औसत से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूँ MP हाई कोर्ट के लिए। तो आप MP हाई कोर्ट के लिए ही ना समझें उसे, आप CPCT या अन्य किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे आप वहाँ पर मैं क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कराने वाला हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा 10 बजे। ओके, 10 बजे PM, रात 10 बजे हम देखने वाले हैं, लाइव रहेगा। देखिए यहाँ पर बात की जाए, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये औसत है, तो औसत किसी भी संख्या का क्या रहता है, सभी अंकों को जोड़कर और जितनी नंबर ऑफ संख्या है उसका डिवाइड करके हम औसत निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 8 + 5 + 3 + k + k + 1 बराबर, इनका कितना औसत आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हम पहले इन्हें जोड़ लेंगे, देखिए ये यहाँ से मैं हटाने वाला हूँ, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो 1 4 8 4 12, 13 14 15 16 17, 17x, 17 नहीं, x नहीं होगा, 17 के 17 ही रहेगा, और +2k ये हो जाएगा,
और यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 7 × 5 = 35 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 17 इसे इस तरफ पहुँचेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 35 − 17, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, तो 2k = 18, तो k की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 2/18, तो यहाँ से हमारा 9 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये भी औसत से संबंधित प्रश्न है, इसमें देखिए 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु हमें दी हुई है यहाँ पर 18 वर्ष, और 35 छात्रों की औसत आयु हमें दी है 15 वर्ष, तो शेष हमें निकालनी है कि शेष छात्र जो है उनकी औसत आयु कितनी होगी। सबसे पहले हमें टोटल पता करना पड़ेगा कि 45 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु तो हमें दी हुई है, टोटल कितनी है, तो टोटल आयु की बात की जाए तो 45 × 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 18 × 5 = 90, 9 × 18 = 13, 13 × 8 = 72, 72 में जोड़ूंगा 9, तो यहाँ से देखिए 81, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन पे कभी ध्यान दे दिया करो, कि मुझसे भी गलती हो सकती है मल्टीप्लिकेशन में, पर आप कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दिया करो, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी ये टोटल आ गई 35 छात्रों की, इसी तरीके से हम 35 छात्रों की निकालेंगे तो टोटल आयु जो रहेगी वो 35 छात्रों की, 35 छात्र इनकी कितनी होगी, 35 × 15 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 15 × 5 = 75, यहाँ से लगा 7, 15 × 3 = 45, और 45 जोड़ूंगा 7, तो 5 × 12 = 5, ये हो जाएगा 525, ओके। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टोटल 45 की छात्रों की है और ये 35 की है, तो अगर मैं इस 45 में से 35 छात्रों की घटा देता हूँ आयु, तो मुझे 10 छात्र जो हैं उनकी आयु पता पड़ जाएगी। तो यहाँ से हम बात करें तो 810, और इसमें से मैं घटाने वाला हूँ 5, 2, 5, 2, 5, ओके। तो यहाँ से देखिए 5 ये कितना हो जाएगा, 0 यानी 8, और 7 ये 2, 285 ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब 285 यानी जो शेष छात्र थे 10, कितने थे 10 थे, उनकी आयु टोटल कितनी है, 285 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज हो जाएगा 8 285/10, 10 छात्र हैं तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी आप देखोगे 28.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वृत्तीय बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई दी हुई है इतनी, तो हमें आयतन निकालना है। कभी भी मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उसके फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, बेलन के आधार मतलब ये आप समझ रहे हो, ये वाला जो है इसका जो है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये आप देख रहे हो ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, π r² जो कि हमें यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे देखिए 22/7 r² = 40, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 × 1 = 2, और ये 20 बार जाएगा, तो r² = 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा 140, और यहाँ से 11, तो यहाँ से ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए हाइट हमें दी हुई है 7, आयतन की बात करें तो जो बेलन का आयतन क्या होता है, π r² h इतना होता है, ठीक है, π r². अब देखिए हमें एक तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल भी रख सकते कि नहीं रख सकते, क्योंकि π r² की वैल्यू ही तो हमें यहाँ पर दी हुई है, और ये हम अगर आपको ये वाला निकालने में थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर आपको नीचे का एरिया दिया है तो वो तो हमारा रहता ही है, मल्टीपल हाइट जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट रहती है वो रहती है, तो मैं इसे डायरेक्ट भी रख सकता था, और नहीं तो मैं आर का मान भी रख सकता हूँ इसे, तो सीधे सीधे से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट रख देता हूँ इसको, तो हमें आसानी होगी, इंटू क्या हो जाएगा, हाइट यानी 7 हो जाएगी, यानी यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 140, 140 सेंटीमीटर³ जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, ये हमें क्वेश्चन करने के बाद समझ में आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दरअसल π r² h है, जो कि हमें π r² की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई थी, ओके, तो ये करने की हमें जरूरत नहीं थी, ओके। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला प्रश्न है, मेंसुरेशन से भी है, इसमें हमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार ठोस का पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दरअसल एक आधा गोला है, आधा गोला मतलब गोदे में से बीच में से काट दिया गया है, आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वो ये गोला है। ओके, ये आधा गोला है, इसका हमें जो है वो पूरा क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ। तो इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है इसका। अब यहाँ से हम सीधा सीधा वैल्यू रखना है हमें, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r² है तो 14 × 14 कर दिया। यहाँ से 2 इसे बार काट दूंगा मैं, और 14 42 गुणा, तो यहाँ से देखिए 22 × 2 हो जाएगा, और इसे 4 कर लेता हूँ, 4 × 8 4 × 16 × 11 कर दूंगा, और यहाँ से देखिए 8 × 14 8 8 × 14 14 7 और 1 8 और 1, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 18 48। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ पर जल्दी कर दिया गया है, ठीक है। तो इतना जो है वो इसका बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा अर्ध गोले का। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अगला प्रश्न, अच्छा अब यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए रीजनिंग में हमें इसका कोड ये दिया हुआ है, तो हमें इसका निकालना है। तो आप देख रहे हो m का कोड n दे दिया गया है, i का कोड j दे दिया गया है, और n का o दे दिया गया है, और e का d दे दिया गया है। तो देखिए m से n तो होता है i j, m n o n o e, और यहाँ से, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, तो d के बाद यहाँ से e हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर +1 हो रहा है सब में, तो इसी तरीके से हमने इनका निकाल सकते हैं नेप्ट का, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन का यहाँ पर ओ हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, एफ का जी हो जाएगा, और टी का यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओ एफ जी यू, ओ एफ जी यू, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ही हमें सीरीज दी हुई है, और हमें इस सीरीज का अगला पद निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, आर पहला पहला सबका ले लेते हैं, ठीक है। तो आर के बाद देखिए आर एस टी यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यू से स्टार्ट करूंगा, यू वी डब्लू एक्स, डब्लू एक्स, ओके एक्स आ गया। ए के बाद देखिए, एक्स के बाद हम स्टार्ट करें एक्स वाई जेड ए, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर +3 हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी आप देखोगे ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जी के बाद जी एच आई जे, जे से स्टार्ट होगा। अब देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमें जे से स्टार्ट देखने को मिल रहा है, तो आगे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये हमें यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी नर्तक खिलाड़ी हैं, तो जितने भी नर्तक हैं वो क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे, खिलाड़ी, ओके। और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो पुरुष के अंदर जो है वो खिलाड़ी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सभी नर्तक पुरुष हैं, तो सभी नृतक जो है वो पुरुष हैं, बिल्कुल है। देखिए खिलाड़ी के अंदर जो है वो नृतक है, और खिलाड़ी जो है वो पुरुष के अंदर है, तो पुरुष के अंदर ही जो है वो नृतक है, तो सभी नृतक जो है वो खिलाड़ी पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ खिलाड़ी नृतक हैं, तो कुछ खिलाड़ी जो है वो नृतक हैं, अब पूरे हैं तो उसमें से कुछ भी होंगे, तो ऐसा तो है नहीं है कि अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब जब पूरे आ रहे हैं तो इसमें से कुछ भी तो होंगे, तो दोनों ही निष्कर्ष सही हो जाएंगे। दरअसल हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें एक अंग्रेजी के हिसाब से दी हुई है। आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो बहुत ही आसान होता है, आप देखिए यहाँ पर सब आर आर से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आप देखिए ई आई आई ए और ओ, तो सबसे पहले ओ ए आता है हमारे ABCD के हिसाब से, तो पहले स्थान पर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर देखिए इसमें आई दिया हुआ, यहाँ पर ई दिया हुआ, तो ई आता है इसके बाद ABCDE, तो यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा, यानी 4-1, ठीक है 4-1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, वो तो बाद में आएगा, आई आई दोनों में है, फिर अगला देखेंगे हम, तो एम है यहाँ पर, एस है, तो एम पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये हमारा कौन सा तीसरे स्थान पर हो जाएगा, यानी इसके बाद 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या चौथे स्थान पर हो जाएगा, तीसरा चौथे स्थान पर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा पांचवें स्थान पर। देखिए 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, 4 1, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाए। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, इसमें से हमें बताया गया है कि हम कैसा इसमें से कौन सा चिन्ह बदले जिसके हिसाब से जो है वो ये सही देखने को मिल जाए, यानी 15 माइनस 14 ये बटा 21 है, यानी 21 डिवाइड हुआ है इसमें, ठीक है, इंटू 27 माइनस सॉरी प्लस इक्वल टू 64 है। ओके, अब यहाँ से आप देखोगे हम पहला लेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यहाँ पर बदलेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पर डिवीजन आएगा, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ अंतर आएगा क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगा और ये भी हमारा डिवीजन हो जाएगा, तो 64 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ लगा दो, देखिए अगर मैं इस पोर्शन को लेता हूँ तो अभी क्या बन रहा है इसका, 14 21 इंटू 27 ये बन रहा है, और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर रखूंगा ये 14 गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नीचे 27, तो यहाँ से देखिए 7 दूना 14, 7 3 3 से काट देते हैं, ठीक है 3 से काटेंगे, 3 7 21 3 9 27, उसके बाद ये नहीं कटेगा तो हमारा तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा नहीं मिलने वाला। ओके, हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, देखेंगे दूसरे ऑप्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दूसरे ऑप्शन में प्लस और डिवाइड को है, तो देखते हैं यहाँ पर प्लस हमें डिवाइड यहाँ पर करना है और यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15 माइनस 14 प्लस 21 इंटू 27 और डिवाइड है तो मैं 9 यहाँ से नीचे लिख दूंगा। ओके, अब देखिए 9 3 27 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 15 माइनस 14 है और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 3 गुना 6 63 हो जाएगा। अब देखिए 15 प्लस का है और माइनस का 14 है तो 1 बचेगा, और प्लस 64 ये 63 ये है ही है, तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा, इधर भी 64 है इधर भी 64 है, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा मैच खा रहा है, तो हमें प्लस और डिवाइड को जो है वो बदलना था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए हमें एक दर्पण के बताना है, दर्पण हमारा इस तरह लगा हुआ है, तो हमें बताना है कि ये क्या बनेगा, तो पहला एक का उल्टा रहेगा, तो एक का उल्टा देखिए ये दोनों उल्टे हैं, अब ये इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, उसी तरीके से डू, अब ये तो सीधा ही उल्टा कर दिया है, कभी ऐसा होना चाहिए, तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन तो गया और यहाँ पर ये वाला गया, ये वाला नहीं ये वाला गया, क्योंकि ये उल्टा कर दिया गया है, हम पानी में थोड़ी ना देख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये हम दर्पण में देख रहे हैं तो दायां का बायां बायां का दायां हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो बचा है यही हमारा आंसर हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।